दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्केटिव्स में। आज मैं दो अपडेट जो कि यूट्यूब की ओर से आया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहला तो अपडेट है मोनेटाइजेशन अपडेट, ठीक है, कि मोनेटाइजेशन रिलेटेड एक अपडेट आया है जो आपको बताना जरूर है। और दूसरा है चैट सपोर्ट अपडेट, जो कि यूट्यूब की ओर से चैट सपोर्ट हमको मिलता है उसके रिलेटेड अपडेट है। ये दो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अपडेट में क्या है, जो कि नए चैनल और ओल्ड चैनल दोनों के लिए अपडेट आया है। जो कि हमारी नई चैनल, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी कोई न्यू चैनल है जो कि हमारी अभी मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, उसमें जो कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स कंप्लीट होते ही हमारे चैनल मोनेटाइजेशन में चले जाएगा। बट मोनेटाइजेशन में यूट्यूब क्या क्या चेक करता है कि हमारा कॉन्टेंट कॉपीराइटेड है, यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ तो नहीं है ना, ठीक है, वो भी चेक करता है। हमारा कंटेंट रीयूज्ड है, ये सब बातें चेक करते हैं। फिर अगर ये सही रहेगा सब, तो यूट्यूब क्या करेगा, हमारे चैनल को मोनेटाइजेशन कर देगा, ठीक है, हमारे चैनल को यूट्यूब मोनेटाइजेशन कर देगा। बट हमारा कंटेंट रीयूज्ड में आ गया, किसी और की वीडियो की क्लिप या किसी और का वीडियो होगा वो हमारे चैनल पे अपलोड किया होगा, तो यूट्यूब हमारे चैनल को रीयूज कंटेंट में डालेगा। तो यूट्यूब इसको क्या करेगा कि 30 डेज को हमको अप्लाई करने का टाइम देगा, कि आप 30 डेज के बाद फिर से अप्लाई कर सकोगे अपनी चैनल में, ये सब अच्छी तरह से ये जो रीयूज कंटेंट आया है उसको चेंजेस करके आप फिर से 30 डेज में इसको रीअप्लाई कर सकते हो। हमने 30 डेज के बाद इसको रीअप्लाई किया, ठीक है, हमने 30 डेज के बाद इसको रीअप्लाई कर दिया, हमने ये सभी ठीक करके, फिर भी आपका रीयूज्ड कंटेंट आ गया, कुछ गलती हमने की होगी, फिर से रीयूज कंटेंट आया, तो इसमें यूट्यूब ने क्या किया, ये अपडेट है कि इसको फिर से दूसरी बार रीयूज कंटेंट में चला जाएगा हमारा चैनल, तो फिर से रीअप्लाई करने के लिए हमको 90 डेज लगेंगे। मतलब 90 डेज के बाद आप फिर से रीअप्लाई कर सकोगे। पहले क्या था, इसको ही 30 डेज में रीयूज कंटेंट अगर होता तो 30 दिनों के बाद हम रीअप्लाई कर सकते हो। बट पहली बार हमको एक बार चांस देगा यूट्यूब के 30 डेज के में रीअप्लाई करो, ये रीयूज कंटेंट है उसको हटाओ और रीअप्लाई करो, ठीक है। फिर से भी रीयूज कंटेंट आ गया तो 90 डेज में डायरेक्ट चला जाएगा। 90 डेज तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो बनाते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको 90 डेज के बाद ही मोनेटाइजेशन मिलेगा, ठीक है। ये तो बात थी नए चैनल के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ओल्ड चैनल, जो अभी बड़ी बड़ी चैनल है, जैसा कि हम कोई एक चैनल ले टेक्निकल महात्मा जी, ठीक है, टेक्निकल महात्मा जी एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये चैनल ने कोई गलती कर दी और रीयूज कंटेंट में आ गया, मतलब यूट्यूब क्या है, जो ओल्ड चैनल है उसको भी रिव्यू बार थोड़े थोड़े दिन में करता रहता है कि कुछ इस चैनल पे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना, कोई रीयूज कंटेंट तो है नहीं ना। अगर रीयूज कंटेंट आ गया, ये ओल्ड चैनल है, ठीक है, ये ओल्ड चैनल है, इसमें भी रीयूज कंटेंट आ गया तो इस चैनल को डायरेक्ट 90 डेज में क्या है, हमको जो नई चैनल होती है, न्यू चैनल को 30 डेज का एक चांस मिलता था कि 30 डेज के आप अप्लाई कर सकोगे, पर ओल्ड चैनल को फर्स्ट टाइम में ही 90 डेज के बाद अप्लाई कर पाएगा फिर से मोनेटाइजेशन के लिए ओल्ड चैनल के लिए। ये बैड अपडेट है, ठीक है। रीयूज कंटेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है, रीयूज्ड कंटेंट ये होता है कि आप किसी की भी वीडियो या अपनी ही खुद की वीडियो, आपने 3 चैनल बनाई है, अपने 1, 2, 3 चैनल बनाई, पहला वीडियो फर्स्ट वीडियो इसमें डाला, सेम वीडियो इसमें भी डाला और ये सेम वीडियो इसको इसमें डाला, ठीक है, ये तीनों में आपने वीडियो डाल दिया, क्राइटेरिया क्या है, कंप्लीट हो गया, 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स तीनों में कंप्लीट हो गया, आपने पहले इसको मोनेटाइजेशन के लिए डाल दिया तो ये चैनल तो चलो मोनेटाइजेशन हो गई। अभी इसको और इसको भी आपने मोनेटाइजेशन के लिए डाला,
ठीक है, तो क्या करेगा YouTube इस ये दोनों को reused content में डाल देगा, ठीक है, इस इन ये दोनों चैनल को YouTube reused content में डाल देगा और आपकी चैनल मोनेटाइजर नहीं होगी। बट आपकी नई चैनल है इसलिए ये दोनों चैनल को आपको 30 डेज का रीअप्लाई टाइम देगा। अगर आपकी ओल्ड चैनल ये दोनों होती तो डायरेक्ट आपको 90 डेज के बाद रीअप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा अपडेट है YouTube का जो कि न्यू और ओल्ड यूट्यूबर दोनों के लिए बैड न्यूज है, ठीक है। पहला यह था कि 30 डेज में हम रीअप्लाई कर सकते थे, अभी न्यू यूट्यूबर को फर्स्ट चांस 30 डेज का मिलेगा और दूसरी बार डायरेक्ट 90 डेज, और ओल्ड यूट्यूबर को तो डायरेक्ट 90 डेज का टाइम मिलेगा, ठीक है। यह पहला अपडेट था मोनेटाइजेशन के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरा अपडेट, चैट सपोर्ट। हमारे इंडिया में क्या है, ज्यादातर लोग हिंदी में ही बात करते हैं या हिंदी में ही चैटिंग करते हैं। जो अभी अभी हाल ही में YouTube का CEO है वो एक इंडियन हो गया है, ठीक है। जो YouTube का CEO है वो अभी अभी इंडिया का हो गया है, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि अभी आप हिंदी में भी सपोर्ट ले सकते हो, बट कहाँ पे, ट्विटर पे, ठीक है, @YouTube India को टेक करके आप ट्विटर पे हिंदी में भी सपोर्ट ले पाओगे। पर उसमें एक दिक्कत क्या है कि हिंदी में आप जैसे, मतलब एग्जांपल में लेता हूँ, क्या हिंदी में ऐसे लिखते हो कि मुझे हेल्प चाहिए, तो ऐसे नहीं, आपको जो हेल्प लेनी होगी YouTube से ट्विटर पे तो कैसे करना पड़ेगा, ऐसे मुझे हेल्प चाहिए, ऐसे हिंदी फॉन्ट आपको यूज करना पड़ेगा। आप ऐसे इंग्लिश फॉन्ट में हिंदी में बात नहीं कर पाओगे। आपको YouTube इंडिया से ट्विटर पे सपोर्ट चाहिए कि आपकी कोई चैनल में कोई प्रॉब्लम आ गई कि मेरी चैनल हैक हो गई है तो मुझे YouTube इंडिया से सपोर्ट चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, ट्विटर YouTube इंडिया को टैग करूँगा, हिंदी फॉन्ट में लिखूंगा कि हेलो YouTube इंडिया, मेरी चैनल हैक हो गई है, वगैरह वगैरह सब मैं लिखूंगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही है, ये मैंने जो दो अपडेट आए थे वो बताने थे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ऐसे ही मैं YouTube के रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स लाता रहूँगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में।